Hello friends, hope you're doing fine. My name is Mehul Solanki and welcome back to my channel Traveling Eyesight. Gulmarg, Kashmir ka one of the most visited place hai. यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं एंजॉय करने के लिए. गोंडोला मतलब रोपवे, पोनी राइड मतलब हॉर्स राइड, स्नो एक्टिविटी, ट्रैकिंग और ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आप एंजॉय कर सकते हो. और गुलमर्ग के बारे में और भी कुछ दिलचस्प बातें हैं जो हम इस वीडियो में करते रहेंगे. मॉर्निंग में हम श्रीनगर से गुलमर्ग आए हैं और यहाँ पे रुकने वाले हैं शाम तक और शाम को वापस जाने वाले, मतलब कि हमारे पास टाइम लिमिट है सुबह से लेकर शाम तक. और आपको पता ही है कि हम एक पैकेज थ्रू आए हैं तो हमारे पास टाइम लिमिट है. अब ये जो टाइम लिमिट है उसमें हम कितने प्लेसेस विजिट कर पाते हैं वो देखना रहेगा. लेकिन मेरे पीछे जो आप बैकग्राउंड देख पा रहे होगे, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बैकग्राउंड आई हैव एवर सीन, द लैंडस्केप, द व्यू, द सीनरी, सच में मुझे बहुत ही खूबसूरत जगह लगी. तो चलिए हम विजिट करते हैं कश्मीर के फूलों के शहर गुलमर्ग. श्रीनगर से गुलमर्ग का डिस्टेंस करीबन 50 किलोमीटर है जिसमें 1.5 से 2 घंटे जितना टाइम लग सकता है. हम मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करके 9 बजे निकल चुके थे गुलमर्ग के लिए. वैसे तो हमें 8 बजे ही निकलना था लेकिन हम जिस पैकेज थ्रू हम ट्रैवल कर रहे हैं उन्होंने हमारी कैब काफ़ी देर से भेजी थी. तो गुलमर्ग जाते हुए रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप देखिए यहाँ पे हम 5 मिनट ब्रेक ले रहे हैं और जो ये नज़ारा है उसे एंजॉय करने वाले हैं, तो आप भी एंजॉय कीजिए. गुलमर्ग जाते हुए टंगमर्ग से पहले आपके रास्ते में एक खूबसूरत जगह आएगी जहाँ आप थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, फोटोग्राफी भी कर सकते हो. तो चलिए देखते हैं इस खूबसूरत जगह के कुछ एरियल व्यूज. एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, गुलमर्ग जाने से पहले टंगमर्ग में आपको स्नो एक्टिविटी के लिए शूज़ और कुछ ऐसे एसेसरी जबरदस्ती दिलवाएंगे आपके ड्राइवर. लेकिन अगर आपको उसकी ज़रूरत नहीं है तो आप वो बिल्कुल मत लेना. हमें पता था कि समर में स्पेशली जून मंथ में ना स्नो होगी ना स्नो एक्टिविटी, तो हमने वहाँ से कुछ नहीं लिया था. लेकिन काफ़ी सारे लोगों को हमने बेवकूफ़ बनते हुए देखा था, तो इस चीज़ का आप ज़रूर ख्याल रखिए. वैसे टंगमर्ग से हिल वाला रास्ता स्टार्ट होता है गुलमर्ग तक, तो वो जो रास्ता है बहुत ही खूबसूरत रास्ता है. तो जब आप गुलमर्ग में एंटर हो गए तो सबसे पहले आपके रास्ते में आई लव गुलमर्ग है वो जगह आएगी. उसके बाजू में ही रास्ता है गुलमर्ग जाने का, ये जो रास्ता आप देख रहे हो वहाँ से आप पैदल जा सकते हो जिसमें 10 से 15 मिनट जितना टाइम लगेगा. और वहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि सब हॉर्स राइड करते हुए भी जाते हैं. अगर आपको हॉर्स राइड करनी है तो वो भी कर सकते हैं, अगर आपको पैदल जाना है तो भी कर सकते हो. कश्मीर जन्नत है और गुलमर्ग उसका बहुत ही अहम हिस्सा, लेकिन यहाँ घोड़े वाले आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं. अगर आप गोंडोला थ्रू फेस वन जा रहे हो तो आपको हॉर्स राइड की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है. लेकिन अगर आप हॉर्स राइड से फेस वन जाना चाहते हो तो आपको जमकर नेगोशिएशन करना पड़ेगा. मेरे हिसाब से 400 से 500 रुपये से ज़्यादा देना ही नहीं, आपको 2000-3000 तक भी बोला जाएगा, लेकिन आपको उसके 20% से ही नेगोशिएशन करना है. आई लव गुलमर्ग वाला जो एरिया है वहाँ से हमें वॉकिंग करते हुए सिर्फ 15 मिनट जितना ही टाइम लगा था जो गोंडोला राइड का एंट्री गेट है वहाँ तक पहुँचने में. यहाँ पर जो लाइन दिख रहे हो यूजुअली इससे भी ज़्यादा भीड़ लगी रहती है और इसी के लिए आपको यहाँ पे जल्दी से जल्दी आ जाना चाहिए. यहाँ ग्राउंड फ्लोर पर जितनी लंबी लाइन थी उससे भी ज़्यादा भीड़ और लाइन फर्स्ट फ्लोर पर थी. लेकिन एक चीज़ बहुत ही अच्छी लगी मुझे कि यहाँ बैठने के लिए काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट है. हमें इस लाइन में 1 घंटे जितना टाइम लगा था और फाइनली हमारी बारी आ चुकी थी. गोंडोला एशियाज़ फर्स्ट एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट केबल कार है.
फेस वन जिसे कोंगडूर कहा जाता है, जिसका डिस्टेंस गुलमर्ग से करीबन 2.5 किलोमीटर है। फेस टू जिसे अफरवट कहा जाता है, जिसका फेस वन मतलब कोंगडूर से भी 2.5 किलोमीटर जितना डिस्टेंस है। अगर आप दोनों जगह जाना चाहते हो तो आपको मेरे हिसाब से 1 मंथ पहले ही ऑनलाइन बुकिंग कर लेनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड सीट्स होती है और उसके बाद आपको शायद टिकट ना भी मिले। तो इसी के साथ हम पहुँच चुके हैं फेस वन पर। यहाँ पर बाहर निकलते ही आप जो वो लाइन देख रहे हैं, वो लाइन है फेस टू जाने के लिए। अगर आपकी फेस टू की टिकट हो चुकी है तो आपको फेस वन से बाहर निकलते ही डायरेक्टली फेस टू में चले जाना चाहिए, और वापस आते समय आप फेस वन के जो लोकेशन है वो कवर कर सकते हो और उसे एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि पहाड़ों में कभी भी मौसम बदल सकता है। और हाँ, मौसम से याद आया कि जो फेस वन है वहाँ जब हम वहाँ पहुँचे तो बहुत ही शानदार और बहुत ही सुहाना मौसम था। तो चलिए साथ में यहाँ के कुछ खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते हैं। साथ थोड़ा नाश्ता लेके आए थे, जो हमने यहाँ थोड़ी देर रेस्ट करते हुए वो एंजॉय किया, और बाद में हम आगे बढ़े यहाँ के कुछ और लोकेशंस को एक्सप्लोर करने के लिए। मेरे पीछे का बैकग्राउंड देख रहे हो आप, यहाँ कितनी खूबसूरत जगह है। सच में वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस है। और गुलमर्ग में जो फेस वन है, यहाँ पे जो ये जगह है, यहाँ पे कोई एक जगह जहाँ पे थोड़ी टोच पे हो, यहाँ पहुंच जाना, और यहाँ से आपको सराउंडिंग व्यू बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला है। बहुत सारे माउंटेन्स है, ट्रीज है, और हवा भी काफी तेज चल रही है। लेकिन सच कहूँ तो मजा बहुत आने वाला है। मेरा दावा है कि अगर आप ऐसी कोई जगह पहुंच गए तो 2 या 3 घंटे तो आप जरूर स्पेंड करने वाले। हम भी आधे घंटे से बैठे, लेकिन टाइम लिमिट की वजह से हम रिटर्न जा रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं आगे। देखो आप, वहाँ जो माउंटेन का टॉप है वो है फेस टू। वहाँ आप गोंडोला की मतलब जो रोप है उसकी मदद से ऊपर जा सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे ऑनलाइन टिकट नहीं हो पाए तो हम तो नहीं जा रहे, यहीं एंजॉय कर रहे हैं। और वहाँ पे आपको स्नो भी दिख रही है, और वहाँ जो ग्लेशियर है वहाँ पे स्नो एक्टिविटी होती है। शायद आपको दिख रही है या नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन वहाँ काफ़ी सारे लोग हैं जो स्नो एक्टिविटी कर रहे हैं। लेकिन ये जो जगह है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है। आप देखिए, ये जो ग्राउंड है, पूरा ग्राउंड ग्रीन है, और शायद मेरे हिसाब से इसी की वजह से गुलमर्ग को मीडो ऑफ फ्लावर कहते हैं, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस। बाद में हमें वापस जाना पड़ा क्योंकि थोड़ी थोड़ी बारिश शुरू हो चुकी थी, और अनाय वाज क्राइंग कंटिन्यूअसली, सो वी थॉट टू गो बैक टू द गुलमर्ग। वापस जाने में थोड़ी लाइन होती है, तो हमने लाइन में ही खड़े रहते हुए यहाँ की मैगी ट्राई की और वापस गोंडोला से गुलमर्ग के लिए आगे बढ़े। यहाँ जो आप रोपवे देख रहे हो वो है स्की के लिए, जो फेस टू पे यूजुअली जो प्रोफेशनल स्की करते हैं फेस टू से, वहाँ जाने के लिए ये रोपवे है। और वैसे भी एशिया में गुलमर्ग इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्लेस जहाँ पे स्की बहुत ही ज़्यादा होती है। गुलमर्ग से 6 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है खिलनमर्ग, वो भी स्की के लिए पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर है, और देश विदेश से काफ़ी सारे प्रोफेशनल यहाँ पे स्की के लिए आते हैं। गोंडोला से जब आप बाहर आओगे तब आप वापस जाने के लिए भी हॉर्स राइड या फिर एटीवी बाइक राइड कर सकते हो।
आई लव गुलमर्ग सच में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं, लेकिन यहाँ फोटो लेना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे कितनी भीड़ होती है, लेकिन यहाँ का जो सराउंडिंग व्यू है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। और आपको जो गार्डन दिख रहा है वो है गोल्फ कोर्स, वर्ल्ड हाईएस्ट गोल्फ कोर्स, जहाँ परमिशन के बाद जा सकते हो। यहाँ पर जो शिव टेम्पल है वो भी हमें विजिट करना था तो हम उस रास्ते पे निकल पड़े, लेकिन वहाँ जाने से पहले आप वो जो छोटा सा हिल देख रहे हो हम वहाँ जाते हैं। अब हम टाइम वेस्ट ना करते हुए जल्दी से शिव मंदिर जाना पड़ेगा क्योंकि हल्की हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, हमें वापस भी जाना है। इस शिव मंदिर को महारानी और महालक्ष्मी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसे 1915 में राजा हरि सिंह की रानी मोहिनीबाई सिसोदिया जी ने बनवाया था, और राजेश खन्ना का जो सॉन्ग है जय जय शिव शंकर उसकी शूटिंग भी यहाँ हुई थी। कश्मीर जन्नत है उसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों हम इंसान इस जन्नत को भी बिगाड़ने पे तुले हैं। ऐसी खूबसूरत जगह पे कोई कैसे गंदगी कर सकता है, और वो भी मंदिर के बिल्कुल पास में। फेस वन पर भी कुछ ऐसा ही हाल था। प्लीज अगर आप कहीं पे भी ट्रैवल कर रहे हो तो ऐसा कभी मत करना, मेक बेटर वर्ल्ड फॉर ऑल। यहाँ पर जो टैक्सी स्टैंड है वहाँ इस पंजाबी ढाबे पे हमने चाय और नाश्ते में आलू परोठा खाया जो बहुत ही टेस्टी था, और बाद में हम आगे बढ़े श्रीनगर की ओर और रास्ते में आ रहे व्यू पॉइंट में जाने से खुद को रोक नहीं पाए, और ऐसे एक व्यू पॉइंट पे हम आगे बढ़े कुछ खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करने के लिए। तो ये थी हमारी गुलमर्ग की शानदार जर्नी, आई होप आपको भी पसंद आई होगी। आप अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं इस कश्मीर सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, सेव नेचर, सेव वाटर, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल।